दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जफराबादी हरियाणा के फरीदाबाद में लूम सोलर कंपनी के ऑफिस में हूँ। मेरे पास सर में देख रहे हैं, मैं आपको एक गजब का आइटम यानी घरेलू यूज का, चाहे घरेलू यूज करना हो, चाहे अपने फार्म हाउस में, दुकान में, शॉप में आपको हाइब्रिड इन्वर्टर का इस्तेमाल करना हो और सालों साल चलने वाला ऐसा इन्वर्टर जो आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस देगा, सालों साल चलेगा, पूरी गारंटी और पूरा विश्वास कंपनी का है। कंपनी के प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कीमत होने वाली है दोस्तों और क्या क्या लाभ इससे आप उठा सकते हैं? दोस्तों पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो लोग सोलर की नई तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं और सोलर यानी हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं और बढ़िया कामकाज करना चाहते हैं, जरूर उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं कंपनी के प्रतिनिधि से। जी भाई साहब नमस्कार, दर्शकों की ओर से सर क्या खास आइटम आपका ये कंपनी का है जो जिसकी चर्चा बहुत अधिक हो रही है और क्या इसके बारे में तुम्हारे दर्शकों को? देखिए सब जो आपके चैनल पर हम जो भी व्यूअर हैं वो ज़्यादातर जनरेटर वाले हैं। जी सर, ट्रैक्टर वाले हैं, किसान हैं और जो घरेलू कंज्यूमर हैं। जी सर जी। तो उनके लिए यहाँ पर सारा सुविधा है कि वो आप इस सारे उपकरण को लगा के वो अपने घर का बिजली का बिल और पावर कट में यदि कोई दिक्कत आ रही है वो सारा मतलब सारे उपकरण घर में चला सकते, चाहे उनके पास घर हो, चाहे बिजनेस हो, या उनका फार्म हाउस हो, या घर खेत बाड़ी, ये सब जो भी सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पर बिजली का दिक्कत है या बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो दोनों के लिए हमारे पास यहाँ सोल्यूशन है। तो सर आपके ये जो हम देख रहे हैं जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इससे पंप सेट चलेगा? इसके लिए हम आपको पंप सेट, किस टाइप का पंप सेट आप चलाना चाहते हैं? घरेलू यानी 1 किलोवाट 2 किलोवाट का जो अपना घरेलू यूज का होता है। देखिए पंप दो टाइप का है, एक जो पंप होता है घरों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी दो टाइप का, एक है सरफेस पंप जो छोटा वाला है कि कहीं से पानी आया और पानी की टंकी तक उसको पानी को चढ़ाया जाता है। जी जी, जी। दूसरा पंप होता है जो पानी ग्राउंड वाटर को बाहर निकालता है, करीबन 60 फीट 70 फीट एरिया टू एरिया वैरी करते रहता है। जी जी। तो समरसेबल और सरफेस, यदि जिनके पास सरफेस मोटर है उनके लिए जो इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है वो करीबन 2 किलोवाट तक का इन्वर्टर ले लेंगे तो उनका काम हो जाता है, चल जाएगा। जी। और जिनका समरसेबल है तो उनके लिए कम से कम 5 किलोवाट का इन्वर्टर या 3 किलोवाट का इन्वर्टर यदि लेते हैं तो तब उनका काम हो जाता है। जी, जी। तो ये तो घरेलू के लिए हो गया। जी। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश या देश के कई राज्य जहाँ पर किसान हैं वो अपना खेती बाड़ी मोटर से कर रहे हैं तो उनके लिए सोलर पैनल और BFD, उनको ये इन्वर्टर बैटरी की ज़रूरत उनको नहीं है। अच्छा अच्छा। कि दिन के टाइम में वो मोटर चलाएंगे जिससे वो चाहे वो मोटर का इस्तेमाल गन्ना पेरने के लिए कर रहे हों, या तेल मिल चला रहे हों, या आटा चक्की चला रहे हों, या वो किस वाटर पंप चला रहे हों, वहाँ पर उनको सोलर पैनल और BFD लगा के वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जितने किलोवाट का अपना मोटर है उतने लगभग या उसके सवाए किलोवाट के पैनल लगा करके और BFD के द्वारा हम उससे पंप चला सकते हैं, कोई मोटर चला सकते हैं। जी हाँ, मतलब आपको जो हम बता दें कि मोटर वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, घरेलू या खेतीबाड़ी या बिजनेस के लिए। जी जी। रही बात मोटर चलाने के लिए उनको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक फंडामेंटल कैलकुलेशन है कि यदि वो वाटर पंप चला रहे हैं तो जितने HP का मोटर है उससे आप 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट आप एक्स्ट्रा सोलर पैनल रखते हैं तो मोटर चल जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि मोटर में पानी का मतलब पानी एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र किया जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। लेकिन वही मोटर यदि वो गन्ना पेरने का काम कर रहे हो या आप आरा मशीन चला रहे हो या तेल मिल चला रहे हो या राइस मिल चला रहे हो तो वहाँ पर मोटर पर लोड पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जितने HP का मोटर होगा उसका 1.5 गुना अच्छा, सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत होती है। तो सिंपल देखा जाए तो 7.5 HP का मोटर होगा तो करीबन 12 किलोवाट, यदि 10 HP का मोटर होगा तो 15, यदि 15 HP का होगा तो 22 किलोवाट, इतना सोलर पैनल लगाएंगे तो उनका मोटर दिन के टाइम में कम से कम 10 घंटा चलते रहेगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि हमारा मोटर इतने किलोवाट का है तो हमें कितने किलोवाट के पैनल चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यानी कि जो हैवी लोड वाला काम है उसमें कम से कम 1.5 गुने
अधिक पावर का सोलर पैनल लगाएंगे, उसके बाद बढ़िया काम कर सकेंगे। और यदि सिर्फ पानी निकालना है ज़मीन से बोरिंग से, तो 3 किलोवाट का यदि पंप है तो सिर्फ आप 4 किलोवाट के पैनल से बाई BFD आप बढ़िया काम कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं सर, हम BFD की कॉस्ट क्या मानते हैं? BFD में देखिए, कॉस्टिंग वीडियो में बताना हमें नहीं लगता कि सही, अप्रोक्सीमेट जो है रेट जो आता है 50,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से, पर HP के हिसाब से देते हैं। अच्छा, लेकिन इसका सजेशन हमारा ये है कि हमारा वेबसाइट जो loomsolar.com है, वहाँ पर हमारे सेल्स के पर्सन बैठते हैं या हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत शहर देश भर में आपके, जी हाँ, तो वहाँ से उनकी जानकारी लेके उनसे यदि मिलेंगे तो प्राइसिंग के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। दोस्तों बहुत सारी बातें, ये मैं कंपनी के ऑफिस में हूँ, लेकिन आपके अपने आसपास के शहर में लूम सोलर के ऑफिस होंगे और ये साइट है www.loomsolar.com, इस पर पे आप इसको सर्च कर सकते हैं और इस पर अपने निकटवर्ती डीलर से संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास के इलाके में वहाँ लोगों से आप भली भांति बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कंपनी सीधे, यदि कोई समस्या का समाधान वहाँ नहीं होता है तो कंपनी में सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा एक सर्विस है साइट सर्वे, जी जो पेड सर्विस है, आप कहीं से भी इंडिया में आपके वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, वो 1,000 रुपया देकर वो बुक कर सकते हैं। अच्छा। हमारे सेल्स, हमारे इंजीनियर 24 से 36 घंटे जो भी एरिया में है वो उनके पास जाके जितना हम वीडियो में समझाएंगे उससे बेटर वहाँ पर जाके वो समझा के आएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट उनको समझ लेंगे। अच्छा अच्छा, इसका चार्ज 1,000 रुपया है? जी हाँ, पूरे देश में सुविधा उपलब्ध, पूरे देश में। तो इसका नंबर वहाँ उसकी साइट पर होगा सर? ये हमारे इसी नंबर पर कॉल करना है उनको, जो अच्छा, नंबर दिया हुआ है, हमारे टोल फ्री नंबर है ये। अच्छा, तो इसी नंबर से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये पूरी यानी कंसल्टेंसी उनको मिल जाएगी देश के किसी कोने में, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आप चाहते हैं, किस तरह की मोटर पंप या कोई भी काम काज करना चाहते हैं, तो ये नंबर बता रहे हैं भाई साहब, और इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको पूरा एक तरह से काउंसलिंग आपको पूरी मिल जाएगी इसकी। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि सर ये आपका पैनल है, इसकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी सर इसकी? देखिए, सबसे पहले गारंटी वारंटी जानने से पहले सोलर पैनल के बारे में जान, अच्छा बताइए सर, ये 575 वाट का है, इसमें जो 2 सोलर पैनल है आप इसके बारे में भी जान लीजिए साथ के साथ। ये जो सोलर पैनल है ये बहुत ही यूजफुल, मतलब आप गांव देहात या शहर कहीं पर भी जिनके पास एक बैटरी है उनके लिए ये सोलर पैनल काफ़ी फायदेमंद है। एक बैटरी के लिए पर्याप्त है, 225 वाट का है ये। जी हाँ, ये एक पैनल या 2 सोलर पैनल लेते हैं तो उनके घर में कभी बिजली नहीं जाएगी। जी तो आप देखते होंगे कि अब, हाँ एक चीज़ और, दुकान, बहुत सारे दुकान में लोग जहाँ बिजली की कनेक्शन लेते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि डेली दुकान में आते हैं, बाहर सोलर पैनल रख दिए और अंदर अपना पंखा लाइट जो भी चलाना है वो चलाते रहते हैं, तो उसके लिए भी ये सोलर पैनल काफ़ी फायदेमंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, पंखा चला सकता है, लाइट चला सकता है एक ही पैनल। तो इसका जो मतलब ये सोलर पैनल और इसके साथ वो चाहते हैं कि हमें बैटरी में डायरेक्ट ना चलाएं, तो एक चार्ज कंट्रोलर आता है, वो चार्ज कंट्रोलर लगा के वो अपना काम कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद आता है ये सोलर पैनल। जी ये सोलर पैनल, ये जितने भी आप जगह देखते होंगे, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस हो, या फैक्ट्री हो, या कोई वाटर पंप हो, अधिक सारे जगह इसी टाइप के सोलर पैनल लगते हैं। ये हमारा SARC 575 वाट का, 275 वाट का है, 24 वोल्ट का रेंज में सोलर पैनल है। जी और इसकी इसी रेंज में हमारे पास 455 वाट, 550 और ये 575 वाट का सोलर पैनल है। ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, टॉपकॉन एंड टाइप बाईफेशियल, डबल साइड से दोनों तरफ से चार्ज हो करेगा। हाँ, तो इसके लिए आपको पीछे से एक बार आपको देखना चाहिए इस सोलर पैनल को कि किस टाइप का है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत पूछते हैं कि बाईफेशियल होता क्या है, ये बाईफेशियल दिखता क्या है, बाईफेशियल और नॉर्मल में क्या डिफरेंस जी, है जी, 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 तो आप खुद देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये भी नॉर्मल है, ये मोनोफेशियल इसको बोलते हैं या नॉर्मल पैनल बोल सकते हैं। इसमें वाइट बैकसीट लगा हुआ है जी, इसमें सेल दोनों टाइप से बना हुआ है, एक फ्रंट साइड से ब्लैक दिख रहा है और बैक साइड से ब्लू दिख रहा है। तो आप देखिए कि ये सोलर पैनल लगा के ये पूरा का पूरा
25% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैक साइड से बना सकते हैं। 25% बैक साइड से बना सकते हैं। हाँ, इसका फायदा ये होता है कि सोलर पैनल से लेके जो इन्वर्टर बैटरी या जो भी जहाँ पर आप एप्लीकेशन यूज करें वहाँ की जो लॉसेस है वो रिड्यूस कर देता है। तो ये बेनिफिट्स ये पैनल। तो लाइफ में क्या अंतर होगा सिंपल में और इसमें बेनिफिशियल में? लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। लाइफ में दोनों का ऐसे 25-25 साल बोला जाता है। सिर्फ इसका स्पेस के हिसाब से ये सब जो मॉड्यूल बनाए जाते हैं कि कम जगह में ज़्यादा बिजली बनाया जा सके, और जैसे कि जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं जिसमें होटल रेस्टोरेंट फैक्ट्री, उनको बिजली की ज़रूरत जितना होता है उतना उनके पास जगह नहीं होता है, तो उस हिसाब से ये सोलर पैनल बनाया गया है। अच्छा, अब ये जो हम इसकी जो आपका हाइब्रिड सिस्टम है इसके साथ में ये 5 किलोवाट का है, तो 5 किलोवाट में कितने पैनल लगाने होंगे हमको इस तरह? देखिए 5 किलोवाट में ये इन्वर्टर में आके देखिए, इन्वर्टर में एक रेंज होता है लिखा हुआ, टेक्निकल स्टिकर रहता है इसका जी, तो जितना रेंज लिखा हुआ रहेगा उतना ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो आप 5 किलोवाट की इन्वर्टर पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। जी जी। तो आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि 1 किलोवाट में 2 पैनल, तो 5 किलोवाट में 10 पैनल। 10 पैनल लगेंगे। जी हाँ। तो ये इंस्टॉलेशन कंपनी की ओर से होगा सब कुछ? ये हमारे ग्राउंड सेल्स इंजीनियर हैं या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके थ्रू इंस्टॉलेशन होता है। हम लोग यहाँ से उनको एक गाइडेंस देते हैं कि आप ये सोल्यूशन लगा सकते हैं, तो ये सारा काम कंपनी करके देती है, कंपनी और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो करके देते हैं। तो देश भर में रेट इसके आगे पीछे होते रहते हैं दूरी के हिसाब से या वही रहता है? नहीं नहीं, सोलर का रेट आप कहीं भी खरीदे एक जैसा मिलेगा। एक जैसा मिलेगा कि आप कहीं पर भी इस, क्योंकि कंपोनेंट सभी में सेम है, ऐसा जी, नहीं जी, कि हम यहाँ दिल्ली में लगा रहे हैं तो कुछ और कंपोनेंट है और जम्मू कश्मीर में। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा ज़्यादा रहता होगा? नहीं, ये प्राइस को यूनिवर्स बनाया गया है कि ऐसे कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये प्राइस आगे पीछे रहेगा तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा। जी 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 जी। तो इसलिए प्राइस पूरे इंडिया में एक जैसा है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी जो है लाइफ की, इसकी जो बैटरी है लिथियम बैटरी बताते हैं जी, तो ये 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी है इसमें? देखिए ये लिथियम बैटरी 5 किलोवाट आवर का है। पहले ये समझना है कि ये पहले बैटरी है या कुछ और है। जी 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 जी। तो देखिए ये बैटरी ही है, ये नए जमाने की बैटरी है। पहले हम लोग जमीन पर रखने वाला बैटरी देखते थे जी जी जी, उसको लीड एसिड बोलते थे, ये लिथियम आयन बैटरी है जी। इंडिया में लूम सोलर ने 5 किलोवाट में इसको इंट्रोड्यूस किया है, कि 5 किलोवाट का मतलब ये होता है कि इसमें 5 यूनिट बिजली स्टोर कर सकते हैं जी। फंडामेंटल क्या समझना है कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एसी चलाना है कौन सा, कितने पैनल लगाए, तो उनको ये सब बताना चाहते हैं कि उनको यदि ज़्यादा लोड चलाना है तो इन्वर्टर का सिलेक्शन करें ज़्यादा। अच्छा अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा लोड चलाना है तो ज़्यादा पावर का इन्वर्टर लें। हाँ, 2, 3, 4, 5 एसी चलाना है तो इन्वर्टर बढ़ा लें। इन्वर्टर बढ़ा दें। यदि उनको ज़्यादा देर बैकअप चाहिए तो बैटरी बढ़ा दें। तो बैटरी बढ़ा लें जी, जी। सोलर पैनल जितना इन्वर्टर बढ़ाएंगे उतना तक सोलर पैनल लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये इसका फंडामेंटल कैलकुलेशन है और उस हिसाब से ये पूरा का पूरा डिजाइन होता है। जी 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 जी। तो इसका इसका पूरे सेटअप का 5 किलोवाट के का सर एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, जिसे आप बता रहे कि यूनिवर्सल आपका जो है रेट है, तो क्या रेट सर इसका? रेट आज के दिन में 5 किलोवाट का 5 लाख का है जी, लेकिन साथ के साथ ये 5 लाख रुपया को कम करने के लिए कंज्यूमर को बिजली बिल के बराबर इसको मंथली ईएमआई बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लोन की सुविधा कंपनी के साइड से है। अच्छा, लोन की सुविधा है जी हाँ, कि उनको ज़्यादा मतलब जितना उनका बिजली बिल है उनका उतना मंथली ईएमआई बनेगा। अच्छा। उनको उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इनकम प्रूफ होना चाहिए। यदि 4-5 डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उनको लोन की मतलब जो अप्रूवल होता है 6 से 7 दिन में पता चल जाएगा कि उनको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देश भर के किसी कोने में, किसी भी कोने में। तो दोस्तों सबसे बड़ी सबसे बढ़िया बात ये है, सोलर देश भर की तमाम कंपनियां बना रही हैं, तरह तरह के वादे और बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी जो लूम सोलर है इसका यूनिवर्सल रेट है, यानी पूरे देश में एक ही रेट है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको फाइनेंस की सुविधा है, और वो भी बिजली के महीने बिल की तरह, यानी महीने महीने आपको 200, 400, 500, 1000, 1200, 1500 जो भी आपका बिल आता हो उसके हिसाब से आपको
आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में आप ये लाखों का जो प्लांट है वो कंपनी के द्वारा अपने घर लगवा सकते हैं, बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं और होम अप्लायंस यानी घरेलू यूज के तमाम उपकरण आप मजे से चला सकते हैं, बिजली आए या ना आए, या बिजली के बढ़ते बिल से आप परेशान हैं, आप गाँव देहात के या पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली के कट होते हैं, लाइन लॉस होता है या और घटनाओं के शिकार होते हैं, लेकिन आप प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रह करके एक बढ़िया आप अपना कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, लिंक दोस्तों में जरूर शेयर करें और स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी का पूरा पता आता और यहाँ के जो कस्टमर प्रतिनिधि हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को दोस्तों अपना सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफरावादी लूम सोलर कंपनी के फरीदाबाद ऑफिस से, नमस्कार।